तो फाइनली सैमसंग ने आज 30 मई को सैमसंग के F14 5G डिवाइस के लिए भी इंडिया के अंदर ऑफिशियली One UI 6.1 का जो अपडेट है वो रिलीज करा दी है। तो बात करें सबसे पहले अपडेट फाइल साइज की, जो कि 1745 MB के आसपास की है। मई 2024 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है। और F14 5G डिवाइस की इस अपडेट के अंदर हमें One UI 6.1 की जो फीचर्स है, एम्ब्रोमेंस और जो चेंजेस हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं फीचर्स, एम्ब्रोमेंस और चेंजेस के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सारे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी सिलेक्ट कर देना। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चेंज की बात करें तो वो हमें फोन एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। फोन एप्लीकेशन के अंदर अगर आप रिसेंट्स वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे और किसी भी कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे जो एनिमेशन है उसे सैमसंग ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है और काफी अच्छा जो एनिमेशन है वो हमें देखने को मिल जाता है। और फोन एप्लीकेशन की जो UI है उसे भी माइनर सा चेंज किया गया है। अगले चेंज की बात करें तो वो आपको सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाता है। जो सेटिंग्स का UI है उसे भी सैमसंग ने माइनर सा रीडिजाइन कर दिया है। और अगर आप सेटिंग्स के अंदर आपको जो बैटरी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अगर आप उस ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होगा बैटरी प्रोटेक्शन का, जो कि पहले भी हमें One UI 6.0 के अंदर देखने को मिलता था। इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद आपका जो डिवाइस था वो 85% तक ही चार्ज होता था। और अब One UI 6.1 अपडेट को करने के बाद इस फीचर के अंदर सैमसंग ने काफी चेंजेस किए हैं। और अगर आप बैटरी प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो होंगे। पहला जो ऑप्शन है वो बेसिक है, अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो पहले 100% चार्ज होगा। और अगर आप अपने डिवाइस को चार्जिंग से नहीं निकालेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो पहले 95% तक अपनी बैटरी को ड्रॉप करेगा और फिर दोबारा 100% जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा। इससे आपकी जो बैटरी है वो ओवर चार्ज नहीं होगी और आपकी बैटरी डैमेज होने से बची रहेगी। अगला जो ऑप्शन है वो है अडेप्टिव का, जो कि आपके मोबाइल यूजेज के ऊपर डिपेंड करेगा और ऑटोमेटिकली मैक्सिमम और बेसिक वाले ऑप्शन के ऊपर स्विच करेगा और आपके मोबाइल की बैटरी को प्रोटेक्ट करेगा। अगला जो ऑप्शन है वो है मैक्सिमम का, जो कि आपके बैटरी को 80% तक ही चार्ज करेगा और फिर चार्जिंग को जो है वो स्टॉप कर देगा, जो कि आपकी बैटरी को खराब होने से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये 3 ऑप्शन आपको बैटरी प्रोटेक्शन वाले सेक्शन के अंदर जो है वो नए देखने को मिल जाते हैं। अगले चेंज की बात करें तो वो आपको वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। जो वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन है उसका जो UI है उसे माइनर सा चेंज कर दिया गया है। अगले चेंज की बात करें तो वो आपको क्लॉक एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। जो क्लॉक एप्लीकेशन है उसके UI को माइनर सा चेंज कर दिया गया है। और अगर आप अलार्म सेट करने के लिए अलार्म वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे और प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अलार्म बैकग्राउंड का एक नया ऑप्शन जो है वो शो होगा। और जैसे आप इस ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो आपके सामने एक और नया इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। तो हमने क्लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको 2 नए क्लॉक के जो फेसेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इनमें से आप कोई भी क्लॉक जो है वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ बैकग्राउंड का एक ऑप्शन शो होगा। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4 नए बैकग्राउंड जो है अलार्म के वो देखने को मिल जाते हैं। और आप यहाँ पर कस्टम गैलरी से भी अपना कोई भी बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट करके अलार्म के ऊपर रख सकते हैं। और ये फीचर काफी ज्यादा कमाल का हमें One UI 6.1 के अंदर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो One UI 6.1 अपडेट के सबसे बड़े चेंज की बात करें तो वो आपको डिवाइस की लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन के अंदर अब आप काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। जैसे आप अपने डिवाइस की लॉक स्क्रीन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने डिवाइस की लॉक स्क्रीन को काफी सारे तरीकों से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे ऊपर वॉलपेपर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स वाले सेक्शन के अंदर ले जाके दिखा देता हूँ कि कौन से नए वॉलपेपर्स हमें One UI 6.1 अपडेट के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफिकल वाले सेक्शन के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 नए वॉलपेपर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने डिवाइस के ऊपर अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। वॉलपेपर वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद अब हम
क्लॉक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ से क्लॉक की जो पोजीशनिंग है और जो साइज है उसे तो चेंज कर ही सकते हैं। साथ ही में आपको तीन नए क्लॉक फेसेस जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला जो नया क्लॉक फेस हमें देखने को मिल जाता है वो ये कैलेंडर वाला है। इस क्लॉक फेस के अंदर आपको कैलेंडर का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। और सेकेंड वाला जो न्यू क्लॉक फेस हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का है। इसके अंदर डेट एंड टाइम तो शो होता ही, और साथ ही में आपके दिन भर के जो रूटीन्स है वो भी शो होंगे। और थर्ड वाला जो क्लॉक फेस है उसके अंदर आपका टाइम एंड डेट तो शो होगा ही, और साथ ही में आप किसी और कंट्री का टाइम सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ये तीन क्लॉक स्टाइल तो देखने को मिल जाते ही है। इसके अलावा हमें नीचे की तरफ एक नया ऑप्शन भी जो है वो देखने को मिल जाता है, जो की शो वेदर इन्फॉर्मेशन। कैसे इनेबल करेंगे, तो आपके डिवाइस की लॉक स्क्रीन के ऊपर ही आपको वेदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो शो होगी। इन सभी के अलावा आप क्लॉक फेस के जो फोन स्टाइल है उन्हें भी चेंज कर सकते हैं, और साथ ही में गैलेक्सी स्टोर से जाकर कोई भी कस्टम फोन स्टाइल अपने डिवाइस की क्लॉक के ऊपर अप्लाई करके रख सकते हैं। क्लॉक और उसका फोन स्टाइल अप्लाई करने के बाद आपको अब यहाँ पर नीचे की तरफ विजेट का एक नया ऑप्शन जो है वो भी शो होगा, और यहाँ पर आपको काफी सारी एप्लीकेशन के जो विजेट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको बैटरी के दो विजेट देखने को मिल जाते हैं, कैलेंडर एप्लीकेशन के दो विजेट देखने को मिल जाते हैं, क्लॉक एप्लीकेशन के दो विजेट देखने को मिल जाते हैं, रिमाइंडर एप्लीकेशन का एक विजेट देखने को मिलता है, सैमसंग हेल्थ एप्लीकेशन के दो विजेट देखने को मिल जाते हैं, और वेदर एप्लीकेशन के हमें सबसे ज्यादा 7 विजेट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको कुछ विजेट्स भी अपने डिवाइस की लॉक स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ। विजेट्स अप्लाई करने के बाद आपको नीचे की तरफ दो नए और ऑप्शन जो है वो शो होंगे, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आपको फ्रेम का देखने को मिल जाता है। फ्रेम वाले ऑप्शन के अंदर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 8 न्यू फ्रेम जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमें 1UI 6.1 अपडेट के अंदर जो है पहली बार देखने को मिले हैं। इनमें से आप कोई सा भी फ्रेम अपने डिवाइस की लॉक स्क्रीन के ऊपर अपने अकॉर्डिंग जो अप्लाई करके रख सकते हैं। फ्रेम वाले ऑप्शन के साथ ही में आपको कलर का एक ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे आप कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपने जो भी फ्रेम अप्लाई किया है तो उसके जो बैकग्राउंड का कलर है आप उसे अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करके रख सकते हैं, कुछ इस तरह से। और साथ ही में जो वॉलपेपर आपने अपने डिवाइस के ऊपर अप्लाई किया होगा उसे आप इस फ्रेम के अंदर रिसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि बड़ा छोटा वॉलपेपर को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और साथ ही में आपको नीचे की तरफ इरेज बैकग्राउंड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फ्रेम के अंदर जो आपने वॉलपेपर अप्लाई किया उसके जो बैकग्राउंड है उसे भी आप इरेज कर सकते हैं, और उधर भी आप कलर को जो है अप्लाई करके रख सकते हैं। तो ये सारी कस्टमाइजेशन आप फ्रेम वाले ऑप्शन के अंदर जो है वो कर सकते हैं। और फ्रेम वाले ऑप्शन को यूज करने के बाद आपको फ्रेम वाले ऑप्शन के साथ ही में इफेक्ट वाला एक नया ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने डिवाइस के वॉलपेपर के ऊपर काफी सारे न्यू इफेक्ट जो है वो अप्लाई करके रख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही में इफेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको एक ऐसा इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपने वॉलपेपर के अंदर जो कलर्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यही काफी सारे फीचर्स हमें लॉक स्क्रीन के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन सभी फीचर्स के अलावा सैमसंग ने अपने डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है और जो UI है उसे भी ऑप्टिमाइज किया है, और डिवाइस के अंदर जो हमें एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं वो काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिल रहे हैं। और भी काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स हमें 1UI 6.1 अपडेट के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप सैमसंग का F14 5G डिवाइस इंडिया के अंदर यूज करते हैं और चाहते हैं 1UI 6.1 अपडेट को करना, तो आप अपने F14 5G डिवाइस की 1UI 6.1 अपडेट को कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।